गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का अपना टॉपिक है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सो जल्दी से जल्दी इस लेक्चर का लिंक आपके जितने भी फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स हैं सबको फॉरवर्ड करो। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो कम्प्लीट करने वाले हैं। अब इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, जैसे कि दो डेरिवेशन है, एक स्टार टू डेल्टा और एक डेल्टा टू स्टार। अब वो डेरिवेशन वाला जो पार्ट है वो हमने एप्लीकेशन में कंप्लीट किया है। आर्केडेमी का एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है इमीडिएटली, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है सो ये लेक्चर खत्म होने के बाद वो डाउनलोड करो। फिर उसके बाद उसमें फर्स्ट चैप्टर बीडब्ल्यू का फर्स्ट चैप्टर डीसी सर्किट में जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें इंट्रोडक्शन टू स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके एक वीडियो है, फिर उसके बाद डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीडियो है एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीडियो है। सो वहां पर वो सभी डेरिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया है। आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। डेरिवेशन के लिए आपको एप्लीकेशन यूज करना है, ओके? अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज है वो पहले अच्छे से क्लियर करते हैं। फर्स्ट देखते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका सर्किट स्टार हो या फिर डेल्टा हो, आपको हमेशा तीन रेजिस्टर्स की जरूरत है, ओनली थ्री। मोर देन थ्री रेजिस्टर्स भी नहीं चलेगा, लेस देन थ्री रेजिस्टर्स भी नहीं चलेगा। एग्जैक्ट थ्री रेजिस्टर्स अगर आपके पास है तो ये आप लोग स्टार सर्किट एंड डेल्टा सर्किट तैयार कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने देखो इस डायग्राम में आर ए आर बी एंड आर सी, ये तीन रेजिस्टर्स जो है ये डेल्टा रेजिस्टर्स है। अगर रेजिस्टर्स आप ट्राइंगुलर शेप में कनेक्ट कर रहे हो तो वो डेल्टा सर्किट होता है, ओके? सो आर ए आर बी आर सी दीज आर डेल्टा रेजिस्टर्स। और उसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है आर वन आर टू एंड आर थ्री, ये तीनों स्टार रेजिस्टर्स है, ओके? स्टार रेजिस्टर्स में, स्टार कनेक्शन में सभी रेजिस्टर का जो एक पॉइंट होता है एक कॉमन पॉइंट होता है, ओके? स्टार सर्किट में तीनों रेजिस्टर का एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट देखो, ये कॉमन पॉइंट है आर वन आर टू एंड आर थ्री का। डेल्टा सर्किट में ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होता है, क्लियर? सो यहां पर अभी हम लोग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले देख रहे हैं। मतलब यहां पर आर ए आर बी एंड आर सी, ये तीन वैल्यूज मुझे पता है, दीज आर नोन रेजिस्टर्स। R1, R2, R3, these are unknown resistors. मुझे फाइंड आउट करना है स्टार सर्किट, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे डेल्टा सर्किट पता है। सो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। क्या बोला मैंने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो। तो इसका फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे, यहां पर आर वन आर टू आर थ्री दीज आर अननोन रेजिस्टर्स ना। सो पहले आर वन देखते हैं, आर वन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स। तो बताओ R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है, RA एंड RC ना। तो ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। सो RA इनटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स बोला। सो ये तीनों रेजिस्टर का एडिशन करो, सो RA प्लस RB प्लस RC। चलो लॉजिक क्लियर हो गया। R2 कैलकुलेट करते हैं फिर। So R2 is equals to multiplication of side resistors. R2 के side resistors देखो कौन है, RA and RB. So दोनों का multiplication करना है, RA into RB divide by RA plus RB plus RC. Addition of all resistors. And similarly R3 is equals to, R3 calculate करना है, RB into RC. RB into RC divide by R plus RB plus RC. तो यहां पर आर ए आर बी आर सी डेल्टा रेजिस्टर्स के वैल्यूज मुझे पता थे, मुझे स्टार रेजिस्टर्स के वैल्यूज कैलकुलेट करने थे आर वन आर टू आर थ्री। तो ये फॉर्मूलेज आपके सामने है। अब ये सब रट्टा मारने से अच्छा बस ये स्टेटमेंट याद रखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, ओके? सो यहां पर हमने डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेज देखे। सेकेंड फॉर्मूलेज है स्टार टू डेल्टा, करेक्ट? सेकेंड फॉर्मूले स्टार टू डेल्टा, मतलब यहां पर आर वन आर टू आर थ्री दीज आर, these are
नोन रेजिस्टर्स, अब ये कौन है, नोन रेजिस्टर्स, आर ए आर बी आर सी दीज आर अननोन रेजिस्टर्स, करेक्ट। सो देखते हैं उसके भी फॉर्मूले। सो सेकेंड फॉर्मूले है स्टार टू डेल्टा। अब ये फॉर्मूले कहां से आए, कैसे आए, इसका डेरिवेशन एप्लीकेशन में अवेलेबल है। स्टार टू डेल्टा, अब इस पर स्टार रेजिस्टर्स नॉन रेजिस्टर्स, आर वन आर टू एंड आर थ्री। अब जो रेजिस्टर्स मुझे पता है उसको मैंने ब्लैक कलर कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ किया, और जो अननोन रेजिस्टर्स है उसको हम लोग ब्लू कलर से डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया आर ए आर बी एंड आर सी। तो यहां पर अब आर ए आर बी आर सी मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखो क्या है, आर ए इज इक्वल्स टू, आर ए जो है वो कौन से दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, वन एंड टू ना, और इन्हीं दो टर्मिनल के बीच में कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, आर ए डेल्टा रेजिस्टर है जो वन और टू के बीच में कनेक्टेड है। सो इन्हीं दो नोड्स के बीच में, इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, आर वन एंड आर टू ना। सो दोनों का एडिशन करो, आर वन प्लस आर टू प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, आर वन आर टू डिवाइड बाय जो थर्ड रेजिस्टर बचा ना उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय आर थ्री। चलो और एक बार ट्राई करते हैं, और एक बार ट्राई करते हैं आरबी के लिए, बताओ RB कौन से दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, 2 एंड 3, और इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R2 एंड R3 ना। तो ये दोनों का एडिशन करो, R2 एंड R3 का, सो R2 प्लस R3 प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, R2 into R3 डिवाइड बाय जो थर्ड रेजिस्टर बच गया उसे डिवाइड करो, R1। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब इस बार लास्ट चांस है, इस बार सब समझ में आना चाहिए। RC is equals to, RC जो है वो कौन से दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, 1 एंड 3, सो इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1 एंड R3। सो दोनों का एडिशन करो, दोनों का एडिशन करो, R1 प्लस R3, अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, R1 into R2, sorry, R1 into R3, एंड जो थर्ड रेजिस्टर बच गया उससे डिवाइड करो, थर्ड रेजिस्टर क्या बच गया, आर टू ना। चलो तो ये हो गया आपके स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले। सो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से करो, डेल्टा टू स्टार वाला एंड स्टार टू डेल्टा वाला फॉर्मूला, ओके। अब इसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दिया रहेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सो
सो फॉर्मूले से डिस्कस करने के बाद स्टार डेल्टा सर्किट का एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वैल्यूज डिफरेंट हो सकता है लेकिन पैटर्न यही था। सो स्टार्ट करते फिर। सो सर्किट में आपको देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दिया है, मतलब यहाँ पर एक भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स नहीं है, ओनली रेजिस्टर्स है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्किट को रिड्यूस करना है और फाइनली सिंगल रेजिस्टर में उसको कन्वर्ट करना है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन टर्मिनल ए। सीरीज कनेक्शन, अगर सीरीज कनेक्शन यहां पर नहीं है तो पैरेलल कनेक्शन चेक करना है। तो चेक करो 5 ओम एंड 4 ओम, दिस टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 4 एंड 3, दिस टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो ये दोनों का अगर एडिशन करते हैं, सो 5 प्लस 4 यहां पर आएगा 9, 5 प्लस 4 9। नेक्स्ट 4 एंड 3, दिस टू रेजिस्टर्स आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। सो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब आपको मेरे जैसा एक ही सर्किट डायग्राम में चेंजेस नहीं करना है, आपको हर स्टेप के लिए अलग अलग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। मतलब जैसे कि क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो पहले आपको एज इट इज ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद सीरीज इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के बाद जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपको अलग से ड्रॉ करना है, उसी सर्किट डायग्राम में चेंजेस नहीं कर सकते आप लोग। ओके, फिर उसके बाद देखो इसमें सीरीज कनेक्शन तो नहीं है, पैरेलल कनेक्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। देखो जैसे कि 6 का और इस 7 का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन दोनों का एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, सेम वैसे ये दोनों रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। ओके, सो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। सो नेक्स्ट है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो चेक करो यहाँ पर डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, कौन सा सर्किट यहाँ पर दिख रहा है आपको। 6, 6 एंड 6 ये तीन रेजिस्टर्स है, यहाँ पर डेल्टा सर्किट बन रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे डेल्टा सर्किट में तो ट्रायंगल होता है, यहाँ पर तो स्क्वायर दिख रहा है। तो इस 6 ओम रेजिस्टर को आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे इंक्लाइन ड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट। सेम वैसे इस 6 ओम रेजिस्टर को भी आप लोग इंक्लाइंड ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। सो बन गया ना अपना ये डेल्टा सर्किट बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट स्टार सर्किट जो है वो आपको इसके अंदर ड्रॉ करना है। सो R1, R2 एंड R3 तीन रेजिस्टर्स मैंने इसके अंदर कंसीडर किया। सो R1 इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा रेजिस्टर्स देखो तीनों के वैल्यू सेम है, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट स्टार आएगा उसके भी तीनों वैल्यूज इक्वल रहेंगे, दैट इज R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3। और मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। तो R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है, 6, 6 ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 6 × 6 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ ऑल, 6 + 6 + 6, सो 36 डिवाइड बाय 18, सो आंसर आएगा 2 ओम। ओके, आंसर आएगा 2 ओम। तो यहां पर ये जो डेल्टा सर्किट आपको दिख रहा है इसको आपको स्टार सर्किट से रिप्लेस करना है। तो मैं यहां पर ये डेल्टा सर्किट को इरेज कर रहा हूं। ओके, ये तीनों 6 ओम रेजिस्टर को मैंने यहां से इरेज किया और उसके जगह मैंने स्टार सर्किट ड्रॉ किया, और स्टार के जो रेजिस्टर्स है, स्टार सर्किट के जो रेजिस्टर्स उनका वैल्यू कितना है, 2 ओम। सो ये आ गया 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 2 ओम। ओके, अब इसके बाद अगेन सीरीज कनेक्शन। अब आप लोग देखो मेरे जैसा एक ही सर्किट में चेंजेस नहीं कर सकते, आपको हर स्टेप के लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट 2 ओम एंड 7 ओम, दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो 2 एंड 7 का अगर एडिशन करता हो तो कितना आता है, यहां पर 9 आएगा, सो 2 + 7 = 9 ओम। सिमिलरली दिस 2 एंड 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहां पर कितना आएगा, 4, सो 2 + 2 = 4 ओम। नेक्स्ट दिस 7 एंड 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो दोनों का एडिशन करने के बाद कितना आएगा, 9 ओम, 7 + 2 = 9। ओके, अब इसके बाद सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। अब इसके बाद इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। सर्किट को आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर टर्मिनल ए लो, यहां पर रेजिस्टर लिया मैंने 4 ओम, यहां पर लिया 9 ओम और ये लिया मैंने 9 ओम। ओके, यहां पर रेजिस्टर लिया 9 ओम
और ये वाला रेजिस्टर मैंने लिया 6 ओम. सो 4 ओम, 9 ओम, 9 ओम, फिर यहां पर आएगा 9 ओम, 6 ओम. सो यहां पर दो डेल्टा सर्किट मिल रहा है. अब दोनों डेल्टा सर्किट को मैं स्टार में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों में ये 9 ओम रेजिस्टर कॉमन है. तो मुझे क्या करना है, एक तो लेफ्ट साइड का डेल्टा स्टार में कन्वर्ट करना है या फिर राइट साइड का डेल्टा स्टार में कन्वर्ट करना है. ओके, सो यहां पर मैं लेफ्ट साइड का डेल्टा सर्किट जो है इसको स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो इसका इक्विवेलेंट स्टार में इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूं. ये मैं R1 लेता हूं, इसको R2 लेता हूं और ये वाला R3 लेता हूं. ओके, सो यहां पर मुझे तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा रेजिस्टर्स के वैल्यूज डिफरेंट है तो स्टार के भी वैल्यूज डिफरेंट आएंगे. सो यहां पर R1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है, 9 और 4 ना. सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 9 × 4 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ ऑल, 9 + 4 + 9. ओके, फिर उसके बाद R2 कैलकुलेट करना है. R2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर. R2 के साइड रेजिस्टर्स कौन है, 9, 9, 9. दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, अपॉन एडिशन ऑफ ऑल, 9 + 4 + 9. ओके, एंड R3 के साइड रेजिस्टर्स कौन है, 4 और 9 ना. सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 × 9 डिवाइड बाय 4 + 9 + 9. एक्चुअली R1 एंड R3 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, करेक्ट, क्योंकि R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है, 4 और 9. R3 के भी साइड रेजिस्टर्स कौन है, 4 और 9. सो यहां पर R1 एंड R3 दोनों का वैल्यू सेम रहेगा. सो कैलकुलेशन करते हैं इसका. सो 9 × 4 डिवाइड बाय 9 + 4 + 9. सो आंसर आएगा 1.636 ओम. और यहां पर न्यूमरेटर में 9 × 9 अगर करते हैं तो आंसर आएगा 3.681. ओके, अब यहां पर ये डेल्टा सर्किट को इरेज करते हैं. डेल्टा सर्किट को मैं स्टार से रिप्लेस कर रहा हूं. अब यहां पर R1 का वैल्यू कितना मिला, 1.636. R3 का वैल्यू ऑल्सो 1.636. एंड R2 का वैल्यू हमें मिला है 3.681. ओके, अब इसके बाद देखो, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज है, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज है. सो नेक्स्ट सर्किट डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा. ये दोनों का एडिशन करते हैं तो 10.636 है ना, 9 + 1, और ये आएगा 9.681 और ये आएगा 1.636. ओके, अब ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है. सो पैरेलल है तो दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. सो 10.636 पैरेलल टू 9.681 is equals to 10.636 into 9.681 divided by multiplication upon addition 9.681. okay, so answer aayega ye 10.636 into 9.681 divided by 10.636 plus 9.681. सो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन अगर करते हैं तो ये आएगा 5.06 ओम. अब ये दोनों का इक्विवेलेंट आ गया. एंड फाइनली आपको ये दोनों रेजिस्टर का एडिशन करना है, 1.636 एंड 5.06. ये दोनों रेजिस्टर सीरीज कनेक्टेड है. सो RAB इज इक्वल्स टू, दोनों का अगर एडिशन करते हैं, सो 1.636 प्लस 5.06. सो आंसर आएगा 6.696 ओम. ओके, सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर. सो आज के लेक्चर में हमने स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूले डिस्कस किए और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व किया. इसका जो डेरिवेशन है वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है. सो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वो डेरिवेशन एक बार अच्छे से देखो. सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.